डॉक्टर सी टेल सोनकर ने उत्तर प्रदेश के संत साहित्य की खुशबू पहुंचाई बिहार। राजभवन पटना बिहार तहसील घोसीमऊ के उपजिलाधिकारी डॉक्टर सी टेल सोनकर द्वारा रचित एवं हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज द्वारा प्रकाशित पुस्तक उत्तर प्रदेश के लोकधर्मी कवि एवं समाज का विमोचन बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान द्वारा मंचासीनर एन मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह पटना विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश कुमार चौधरी रापटल चांदखुआई ए एस महामहिम के सचिव ए डी सी विजय कुमार आई टी एस आप सचिव विजय सिंह प्रो अब्दुल मतीन अलीगढ़ विश्वविद्यालय एवं चंद्रवती सोनकर आदि की उपस्थिति में राजभवन में किया गया। राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में उत्तर प्रदेश के प्रांतीय सिविल सेवा के कर्मठ अधिकारी डॉक्टर सी एल सोनकर के निष्पक्ष शासकीय कार्यों व उनके समतावादी लेखन को रेखांकित किया है। डॉक्टर सोनकर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आम जनता के दुख दर्द को महसूस कर उनके मामलों को कुशलतापूर्वक सुलह समझौता कराकर निपटाने का प्रयास करते हैं। कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि डॉक्टर सी एल सोनकर ने इस कृति के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जन्मे संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा मानवता के प्रति किए गए कार्यों एवं दृष्टिकोण को जन जन तक पहुंचाने का अनुकरणीय कार्य किया है। यदि शिक्षा जगत का कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे तो कोई खास बात नहीं है, किंतु यदि कोई जिम्मेदार प्रशासनिक पद पर रहते हुए हिंदी में संदर्भ सहित लेखन कार्य करे तो यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कुलपति प्रो गिरीश कुमार चौधरी ने कहा कि यह पुस्तक विद्यार्थियों शोधार्थियों एवं समाज के उत्तरोत्तर विकास के लिए अत्यंत मददगार होगी। प्रो अब्दुल मतीन ने इस बात का जिक्र किया कि साहित्य सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सामाजिक यथार्थ का आईना होता है। डॉक्टर सोनकर की यह पुस्तक इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सिविल सर्वेंट व लेखक डब्ल्यू हंटर जॉन बीम्स फ्रांसिस बुकानन एवं कुमार सुरेश सिंह आदि श्रृंखला की अगली कड़ी में डॉक्टर सोनकर को जोड़ा। सामाजिक एकता एवं समरसता के लिए यह शोध परक कार्य हिंदी जगत में मील का पत्थर साबित होगा। अंत में सबका आभार प्रकट करते हुए डॉक्टर सी एल सोनकर ने कहा कि ज्ञान से राष्ट्र व समाज। सर, ये आज का जो राजभवन पटना में कार्यक्रम किया गया है विमोचन का, ये किस तरीके का विमोचन था? ये नायर के बैनर तले एक एनजीओ है, उसके द्वारा आयोजित बुक विमोचन कार्यक्रम महामहिम राज्यपाल बिहार सरकार द्वारा जो है किया गया। और ये उत्तर प्रदेश के लोक धर्म कवि एवं समाज, जिसमें लोग को भावना से संबंधित जो कवि हैं, संत हैं, उनकी वाणी वचनों को और उनकी रचनाओं को, उनके व्यक्तित्व को दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसका आज विमोचन हुआ महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा। इस पुस्तक से आप क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं, और इस पुस्तक में और भी लोग सम्मिलित थे क्या विमोचन के समय? इस पुस्तक में के विमोचन में महामहिम राज्यपाल, यहाँ के सेक्रेटरी सर, वाइस चांसलर सर पटना विश्वविद्यालय, वाइस चांसलर सर दरभंगा विश्वविद्यालय, और प्रोफेसर मतीन सर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और तमाम गणमान्य नागरिक थे। इस अवसर पर मेरी धर्मपत्नी मिसेज चंद्रवती भी थी, और मेरा बालक सिद्धार्थ भी था, जिसने भी मुझे खुशनुमा लम्हों को देखा। तो इस पुस्तक की खासियत क्या है? समाज में जो मूल रूप से जो संतों ने समाज सुधार के लिए जो सतत प्रयास किए हैं, जो उनके वाणी वचनों से स्पष्ट होता है, उससे सामाजिक समरसता और एकता में जो योगदान हो सकता है, उस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक दृष्टिकोण से इसमें जो काव्य साहित्य का अध्ययन किया है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, और प्रशासनिक अधिकारी के साथ इस तरीके की राइटिंग करना एक आपको किस कैसा लगता है, और इसके अलावा आपने कौन सी पुस्तकें और भी लिखी हैं? इसके अलावा मेरी पुस्तकों में भारत में स्पष्टता एक ऐतिहासिक अध्ययन, और उसका अंग्रेजी अनुवाद अनटचेबिलिटी इन इंडिया, जिसको देश विदेश के विद्वानों ने और सर्वोच्च माननीय सर्वोच्च न्यायालय और
माननीय उच्च न्यायालय के